Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. And let me know the last part of the last lecture. क्या किया था हमने? ओके विटिग रिएक्शन कर लिया था, ठीक है ओके चलिए. सो इसका मतलब प्रिपरेशन पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. ये पायरोलिसिस ऑफ एसिटेट एस्टर्स ये सब तो मेरे ख्याल से पहले ही कर लिया होगा. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ये सब पहले ही कर लिया होगा. ओके विटिग रिएक्शन ठीक है. अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज नोट लिखिएगा. इथीन प्रोपीन एंड ब्यूटीन, इथीन प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर. इथीन प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर कलरलेस गैसेस at room temperature. Pradeep, you right? Alkenes containing 5 to 17 carbon atoms are liquids. And more than 17 are more than 17 are solids. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सब लगभग पहले भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे डिसाइड होते हैं. और जो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जैसे मैं अगर इसका ले लूं CH3 H H H, इसमें ये इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप है बाय इंडक्टिव, तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे. तो इसका जो म्यू होता है वो करीब करीब 0.35 डिवाइड है. ये डेटा ऐसे लिख दो कंपैरिजन पर्पस से और कुछ नहीं, आपको कोई रटना नहीं है बेटा. यहाँ नहीं भी लिखते तो चलेगा क्योंकि ये सब निकालना तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा है. इसका जो म्यू है वो करीब करीब 0.33 डिवाई है और ये ट्रांस है. तो ये सिमेट्रिकल ट्रांस है इसलिए कैंसिल आउट कर देता है ये पूरी तरह से, म्यू 0 डिवाई है. तो आपको ये क्लियर आइडिया देगा कि जितना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे. और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होने से क्या बढ़ जाता है बड़ा बॉइलिंग पॉइंट. तो ऐसे लिख लो डेटा और कुछ इसमें को रटना नहीं है आपको. फिर इसके बाद सीधे हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कीन्स के.
I remove this Buddha? Yes, sir. Organic reactions are Wilkins, matlab chemical properties. So if you recall reaction mechanism, there I told you that iski general reaction kya hoti hai beta? R what? Electrophilic addition. Yes. Electrophilic addition. इसको हम लोग कई बार as ADE2 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बायमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ठीक है, जो रेट होता है वो k टाइम्स यहाँ पर एल्कीन अपना सबस्ट्रेट होगा और जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक है. इसको भी चाहिए तो कॉपी कर सकते हैं, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह से पूछे नहीं जाते हैं, बट स्टिल ये आप दिस इज परफेक्ट थिंग, तो इसलिए आप इसको लिख कर रख सकते हैं. और स्टाइल मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई थी कि ये एल्कीन इस तरह से दिया होगा और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा. तो इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन पे मोस्टली अटैक करता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दैट डबल बॉन्ड कार्बन हुज नेबर ever gives stable carbocation. ये याद रख, दो डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स में से एक कार्बोकेटायन बनाता है और जिसपे कार्बोकेटायन बनेगा उसके बगल वाले कार्बन पे अटैक हुआ होगा. ठीक, ये स्टाइल आपको भूलना नहीं है. अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कम समझ में आए तो इसको रट लो, अटैक कहाँ करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल मतलब इस पे बेस्ड इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में इसको यूज करना होगा. ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि अटैक कहाँ करना है. इसको कॉपी कर लो बेटा.
सर वो क्या लिखा है उसके बाद? जावड़ा बॉन्ड कार्बन हुज के नीचे नहीं पता चल रहा। नेबर गिव्स स्टेबल कार्बो कैटायन। एक एक रिएक्टिविटी का छोटा सा ऑर्डर लिख लो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इसमें ऑफ कोर्स जितना ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। आप इसको ऐसे मान कर चलो, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो आप इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना सकते हो, उससे ज्यादा स्टेबल है। फिर ये आप रख सकते हो, फिर इस तरह से आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा रिएक्टिविटी का। कोई इसमें खास, और जहां पर 2-3 डिग्री बनते हैं तो उनकी एक्टिविटी लगभग सेम होगी, तो उसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर चाहिए तो लिख दो बेटा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन वी अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से रिएक्टिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिएक्टिविटी कम। सर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अब इसमें जो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, मैं ऐसा एग्जाम्पल चूज करता हूँ जिसमें सब कुछ लगभग कवर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें
इसमें आप एच एक्स लिख दो, और इसमें कई बार सॉल्वेंट लेते हैं कई बार नहीं लेते हैं, एल्कीन खुद भी अपने आप में एक सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पर, और जिसका प्रोडक्ट होता है वो ऐसा लिखा जाता है। तो दिस इज सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जो ये एच एक्स है इसके टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल ग्रेटर देन एच एफ, मतलब इसमें जितना अच्छा प्रोटॉन डोनर होगा उतना आसानी से रिएक्शन करेगा। तो एच आई इज बेस्ट प्रोटॉन डोनर अमंग हाइड्रोजन हैलाइड, सो इसीलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो बेटा। यहाँ पर लिख लीजिएगा ड्राई हाइड्रोजन हैलाइड शुड बी यूज्ड फॉर द रिएक्शन। ड्राई हाइड्रोजन हैलाइड शुड बी यूज्ड फॉर द रिएक्शन। If you use H2O or CH3OH as a solvent, then side products are also possible. और ये आपके side products हो जाएंगे बेटा। अगर आपने क्या use कर लिया, water or alcohol as a solvent. एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, dry hydrogen halide should be used for the reaction. If we use water or alcohol as solvent, then side products are also possible. और नीचे side products लिखे हुए हैं। हो गया बड़ा। अब लिखिएगा मैकेनिज्म, और सबसे पहले ही डांट डाल देना कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। क्यों ये लिखने की जरूरत है बेटा? बिकॉज व्हेनेवर यू गेट कार्बोकेटायन, किसी और में नहीं होता है, व्हेनेवर यू गेट कार्बोकेटायन क्या स्पेशल चीज होती है कोई बताएगा? रीअरेंजमेंट। यस,
ये अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब आप एग्जाम में मिस्टेक कर दोगे। जरूरी नहीं कि हर बार रीअरेंजमेंट हो, जहां पॉसिबल है वही होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेप होगा, यहाँ पर स्टेप वन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा वही हमारे लिए आरडीएस हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें लिख देंगे CH3 CH double bond CH2। मान लीजिए कि आपने HBr यूज किया, तो HBr प्रोटॉन कहां पर देगा बेटा? प्रोटॉन मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा इन दोनों कार्बन एटम्स में? वहां पर जिसका बगल वाला कार्बन क्या हो जाए, स्टेबल कार्बोकैटायन। तो बताओ H प्लस कहां अटैक करे, CH2 पर कि CH पर? CH2। ये आपको एकदम रटा होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया कि अटैक इस तरह से होगा। तो आपको मिल जाएगा स्टेबल कार्बोकैटायन ये, ठीक। और साथ में Br माइनस हो रहा है, यही Br माइनस आपको सेकेंड स्टेप में अटैक करते हुए दिखाई देगा। तो स्टेप टू क्या लिखेंगे हम, CH3 CH+ CH3। और खास बात देखो, ये क्या है, कार्बोकैटायन है, ये क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, तो इस पे अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन या अटैक होगा। तो यहाँ पर आपको क्या चांसेस है बेटा मिलने के, कि यहाँ पर आपको रेसिमिक मिक्सचर जैसा मिलने के चांसेस है, क्योंकि आपका यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि प्लेनर होता है। अब इसमें आप Br- अटैक करा दो, ठीक है। और जब Br- अटैक करेगा तो आपको मिलेगा CH3 CH Br CH3। सिंपल सा आपको प्रोडक्ट मिल गया इस तरह से, ठीक है। इसमें एक इसके बेसिस पे एक मार्कोनिकोव रूल बनता है। ऑल्दो आई ऑलवेज से दैट अवॉइड दिस रूल, बट जो 10+2 लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, उसमें मार्कोनिकोव रूल बड़े आराम से यूज किया जाता है, और उसमें कोई आंसर गलत भी नहीं होता है। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो हाइड्रोजन है वो उसको मिलेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है देन HOH Right. या कोई भी reagent will be given to that double bond carbon which has more H atoms। ऐसा उसने रूल बनाकर दे दिया, बट याद रखना, केयरफुल रहना है आपको। इसका उल्टा भी ऐसा बोल सकते हो, नेगेटिव पार्ट इज गिवन टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ऐसा करके भी आप बोल सकते हो। तो इसको भी बेटा कॉपी कर लेना आप, है ना, ये पूरा सिस्टम आप कॉपी करें। सर वो रूल का नाम क्या लिखा आपने? मार्कोनिकोव रूल, MARKOVNIKOV। ओके सर।
आंसर. Get the answer quick.
देखिए सबसे पहले तो आप कार्बोकेटायन बनाइए बेटा। कार्बोकेटायन इसमें कहाँ बनेगा? पहला कार्बोकेटायन, फर्स्ट कार्बोकेटायन। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इधर बनाएंगे या इधर बनाएंगे। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन देगा और CH2 प्राइमरी। तो हम लोग प्रोटोनेशन CH2 पे कर देंगे तो ये CH3 हो जाएगा और इस पे कार्बोकेटायन आ जाएगा। फिर ये क्या है, ये रिंग एक्सपेंशन वाली सिचुएशन, क्योंकि 4 मेंबर रिंग दी हुई है और उसके बाहर प्लस चार्ज है, तो ये रिंग एक्सपैंड करा दो इस तरह से। तो इसका डिजाइन ऐसा है, फिर ये इधर गया, इधर आया, इधर आया, और ये जो बॉन्ड यहाँ लग रहा था उसको आप कहाँ लगा देंगे बेटा? ऐसे। ये मैंने आपको बार बार स्टाइल सिखाई है कि आप रिंग जब एक्सपैंड कराएं तो डिजाइन ना बदलें। डिजाइन बदलेंगे तो फिर आंसर आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ प्लस करें, किधर आप बॉन्ड्स अटैच करें। तो जैसा है एग्जैक्टली वैसा रखो, केवल बॉन्ड तोड़ के आगे बढ़ा दो। आप इसमें काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग है और एक कार्बन पे प्लस है, उसके बगल वाले कार्बन पे CH3 लगा हुआ है। ऐसा ये बेस्ट कार्बोकेटायन है क्या? आंसर है नहीं। अगर इसमें फर्दर हम यहाँ का जो CH है उसको इधर शिफ्ट कराते हैं, यानी 1, 2 हाइड्राइड शो। अच्छा, ये सब आपको आना चाहिए कि भाई यहाँ CH होगा कि CH2 होगा, कॉमन सेंस है। चार बॉन्ड्स होते हैं, तीन आपको दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा, मतलब H होगा वो। तो ये हो जाएगा ऐसा। और फिर यहाँ पर आप Br- लगा दो। मेरे ख्याल सब सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। कॉपी कर लो बेटा इसको, जिसे नहीं आया एंड कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो प्लीज पूछो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, एवरी कार्बोकेटायन विल गिव द प्रोडक्ट, बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी गिवन बाय द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। Should I remove this? Yes, sir. ये हेडिंग भी साथ में डालें बेटा।
एक छोटा सा नोट लिखें, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड सच एज, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, ये एक पॉपुलर पेरोक्साइड है बेंजोइल पेरोक्साइड, काफी पॉपुलर पेरोक्साइड है ये। सर पेरोक्साइड मतलब जिसमें ओ लिंकेज होता है उसको पेरोक्साइड कहते हैं। ओके सर, ठीक है, इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। In the presence of peroxide such as benzoyl peroxide, addition of HBr to unsymmetrical alkene, takes place with anti-Markovnikov's rule. This is called peroxide effect or Harrash effect. Peroxide effect or Harrash effect. सबसे पहली बात है कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो केवल किस में होता है, HBr में, HF और HCl में नहीं होगा, HI में नहीं होगा, वो लास्ट में आपको लिखाऊंगा क्यों। उसके पहले ये क्या है, कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा, वो सबका डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको मेन पॉइंट लिखना है तो वो लिखिएगा, In the presence of peroxide, mechanism followed is free radical mechanism. In the presence of peroxide, the mechanism followed is a free radical mechanism. Step one. इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन। तो ये जो पेरोक्साइड होता है, कोई भी आप जो पेरोक्साइड चूज कर रहे हैं, ये जो पेरोक्साइड होता है ये हीट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जनरेट करता है, और ये जो फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल HBr के H को इन्फ्लुएंस करेगा और एक नया फ्री रेडिकल बनाएगा। याद है हम लोग ने एल्केन वाली रिएक्शंस में किया था, एक फ्री रेडिकल अगर सिस्टम में आता है तो वो फिर लगातार दूसरे फ्री रेडिकल जनरेट कराता है। अब स्टेप टू देखिए, स्टेप टू, ये जो आपको बीआर फ्री रेडिकल मिला, स्टेप टू को हम प्रोपोगेशन बोलते हैं, याद करो हम लोग ने प्रोपोगेशन करके भी लिखा था। तो प्रोपोगेशन मतलब साइक्लिक सा रिएक्शन होता है और लगातार होता रहता है, राइट। तो इसमें जैसे मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन चूज किया CH3CH डबल बॉन्ड CH, उस पे आपने BR रेडिकल लेकर आए, तो अब BR रेडिकल दो जगह अटैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, या तो CH वाले कार्बन पे या CH2। जब ये BR रेडिकल अटैक करेगा तो इनका जो बॉन्ड ब्रेक होगा ना वो होमोलिटिक होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो BR किसी एक के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जिसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया वहां क्या जनरेट हुआ, रेडिकल। वो रेडिकल
बीच वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा या कॉर्नर वाले पे, उसके हिसाब से बी आर अपना बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए कि आप बी आर को कहाँ अटैक कराओगे, आइडिया? यहाँ जब बी आर जब यहाँ कनेक्ट होगा तब जाकर आपको सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलेगा, और एल्काइल में सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल। तो इसीलिए आप इसको ही बनाओगे, ठीक। ये हमारे लिए एक एडिशन स्टेप हो गया। अब क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल मिला आपको, तो मैंने जैसे आपको एल्केन्स के टाइम पर भी बताया था कि अब वो कंटिन्यू होता है प्रोसेस, मतलब ये फ्री रेडिकल HBr के H को ले लेगा, जो काम पहले यहाँ पर इनिशिएटर कर रहा था अब वो एक्चुअल जगह कंपाउंड्स करने लगेंगे। तो आपको ये मिल गया और साथ में क्या मिला बेटा, H फ्री रेडिकल। अब सॉरी H कह रहा हूँ, Br फ्री रेडिकल, और Br फ्री रेडिकल फिर से यूज होगा ऊपर, दिख रहा है? और ये फिर साइक्लिक मैनर में कंटिन्यू होता रहेगा, राइट। और फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, थर्ड स्टेप क्या होता है चेन रिएक्शंस? टर्मिनेशन। यस। तो जब सब कुछ लगभग खत्म हो जाएगा तो जो बचे हुए रेडिकल्स हैं वो कपलिंग कर लेते हैं, जैसे कि बी आर रेडिकल मान लीजिए बच गया तो बी आर टू बना देगा। तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है, इसको हम लिखते जरूर है, तो इसको ऐसा प्रोडक्ट करके नहीं मानते। जैसे मान लो ये बच गया और खाली बी आर रेडिकल बचा, तो इसको हम बना लेते हैं ऐसा, ठीक, ये हो गया। फिर इसी तरह कोई दूसरा आर रेडिकल, ये रेडिकल बचा है ना, और इसी की तरह का दूसरा, तो वो भी कॉम्बिनेशन कर लेगा। तो इस तरह के कई सारे टर्मिनेशन स्टेप्स हो सकते हैं, ये मैकेनिज्म इसको कॉपी करो। इसको बोलते हैं चेन ट्रांसफर स्टेप। और इसको बोलते हैं एडिशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप में एक्चुअली दो स्टेप्स हैं, एडिशन स्टेप एंड चेन ट्रांसफर स्टेप। Done, बाकी लोग भी कर ले बेटा। अच्छा सबने कर लिया, चल यस सर। इसमें लिखिएगा बेटा एक नोट,
दिस पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली फॉर HBr. Not for HF, HCl and HI. Likhega. With HBr, with HBr addition and addition step and chain transfer step, both are exothermic. Both are exothermic. But for HF and HCl, the chain transfer step is endothermic. HF and HCl, HF and HCl bonds are stronger, na? Chain transfer step is endothermic. While for HI, the addition step is endothermic. So due to thermodynamic reason, HF, HCl and HI, HF, HCl and HI do not succeed in undergoing free radical addition. तुमने लिख लिया बेटा? Yes sir. Yes sir. So this is all about HX addition. सब कुछ मैंने कवर कर दिया और within this आपको questions मिलेंगे. अब इसका जो next and very important reaction है वो है halogenation. तो जैसे alkanes में halogenation बहुत important था, यहाँ भी halogenation बहुत important है. तो हम लोग लिखेंगे halogenation of alkene. Halogenation of alkene का मतलब है addition of halogen. Addition of halogen to alkene. इसमें ये मान लीजिए कि हेलोजन एल्कीन लिया आपने, इसमें हेलोजन लिखते हैं हम लोग. तो इसमें मोस्टली जो लिखा जाता है बेटा, हम लोग उसी तरह जैसे वहां पर हम लोग ले रहे थे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में, यहाँ पर भी मोस्टली Cl2 और Br2 लिया जाता है. रीजन वही है उसी स्टाइल से कि रिएक्टिविटी एफ के लिए बहुत ज्यादा होता है, एफ2 के लिए,
और आई टू के लिए बहुत कम है, तो हम लोग मोस्टली इसी में डील करते हैं, उससे ज्यादा हमको सोचना नहीं है उसके बारे में। और एक यू नो इनर्ट सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे CCl4, ठीक है, एक इनर्ट सॉल्वेंट लिया, और सिंपल सा एडिशन है, दो हेलोजन ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और इसका रिएक्टिविटी वगैरह भी उसी स्टाइल में चलता है जो हम लोगों ने पहले किया हुआ था, तो जनरल मैनर में रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा था, उसी स्टाइल में यहाँ पर भी लिख लेंगे कि भाई मान लीजिए CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2 दिया है, इसको पहले डाल देंगे, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द स्टाइल, उसी में कोई उसमें चेंज नहीं, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो बेटा, फिर इसका मैकेनिज्म करते हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी अलग है। रीजन ये है कि इसमें कोई HBr जैसा ऐसा कोई प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल नहीं है, Br2 का एक Br इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो उसी को आना है। अब ये Br2 वैसे देखने में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई पोलर मॉलिक्यूल तो है नहीं, नॉन पोलर है, दोनों Br हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि ये जो C डबल बॉन्ड C है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इस Br2 के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जो आपका यहाँ C डबल बॉन्ड C दिख रहा है ना, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये Br2 के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उनको पुश करेगा, तो वो Br जो इस एल्कीन के क्लोजर है उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो अवे है उस पे आएगा माइनस चार्ज। तो जो क्लोजर है वो बन जाएगा अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूं? इज इट क्लियर? यस सर। तो इसमें जो है ना, हम एक स्पेशल इंटरमीडिएट अज्यूम करते हैं, और वो स्पेशल इंटरमीडिएट एक साइक्लिक इंटरमीडिएट है। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि ये जो Br है वो इस तरह से आकर के कनेक्ट होगा एल्कीन के साथ, और दूसरा वाला ऐसे अलग हो जाता है। ये एक स्पेशल इंटरमीडिएट है,
इसको हम लोग कई बार नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, जो नॉर्मल हम कार्बोकैटायन लिखते हैं बाकी रिएक्शंस में भी लिख रहे थे, उनको क्लासिकल कार्बोकैटायन कहा जाता है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। वैसे इसको हम बोलते हैं साइक्लिक हैलोनियम या ब्रोमोनियम, हैलोनियम आयन, साइक्लिक हैलोनियम आयन इज द इंटरमीडिएट हियर। इसीलिए एक स्पेशल सा मैकेनिज्म हो गया। अब इसका आंसर थोड़ी देर बाद लिखेंगे कि व्हाई डू वी अज्यूम साइक्लिक इंटरमीडिएट, व्हाई नॉट ओपन चेन कार्बोकैटायन। तो यहाँ चाहिए तो आप लिख भी सकते हो और उसका आंसर थोड़ी देर बाद लिखेंगे कि व्हाई डू वी अज्यूम, अज्यूम क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैकेनिज्म का मतलब साइंटिफिक थियरी, साइंटिफिक थियरी मतलब अजम्पशंस। सो वो है व्हाई डू वी अज्यूम साइक्लिक इंटरमीडिएट नॉट ओपन चेन कार्बोकैटायन। इसका आंसर थोड़ी देर बाद लिखेंगे, लेकिन पहला स्टेप ये हो गया मैकेनिज्म का। तो सेकंड स्टेप में इसी जो कार्बोकैटायन, जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन हमने बनाया, उस पे अटैक होगा। ये है हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये प्लस है बेटा। अब इस पे Br- अटैक करेगा। नाउ क्वेश्चन है गाइस, इस Br- अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे? तो बड़ा सिंपल है, वो उस पे अटैक करेगा जिस पे अगर हम रिंग ओपन करें, या आप ऐसा सोचो कि क्योंकि जैसे मान लीजिए इसने ऐसे अटैक किया तो ये वाला पार्ट ऐसे मूव करेगा, तो अटैक उस पे हो रहा होगा जिस पे प्लस स्टेबलाइज हो रहा होगा। जब ये बीआर, मान लो ये टर्शरी है और ये वाला प्राइमरी है, तो बीआर टर्शरी वाले पे अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका दो बीआर आया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि बीआर जो है अटैक करने वाला, वो इस बीआर के एंटी आएगा, क्योंकि इधर से आएगा तो वो फिर स्टेडी हिंड्रेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने स्टार्टिंग से दोनों बीआर को कैसे लगाया हुआ है, एंटी पोजीशन पे। इसीलिए ये एडिशन को क्या नाम दे सकते हैं बेटा, एंटी एडिशन। यस, अब याद करो हम लोग ने हाइड्रोजनेशन के टाइम पे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, सिन एडिशन वाली, उसमें मैंने आपको एंटी वाला भी वो थ्री लेटर वर्ड सिखाया था, तो उसको भी आप यूज करेंगे। इसीलिए ये रिएक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इसमें स्टील केमिस्ट्री बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है। तो इसको आप कॉपी कर लो।
डन सर। सर इसमें बी आर नेगेटिव किस पे अटैक करेगा आपने बोला था? बी आर नेगेटिव उस पे अटैक करेगा जिस पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा। ओके सर। ऐसा लिख सकते हैं इफ सेकेंडरी वर्सेस प्राइमरी देन सेकेंडरी विल गेट अटैक, टर्शियरी वर्सेस प्राइमरी टर्शियरी विल गेट अटैक। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। इसमें एक दो नोट लिखो बेटा। सिंस द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सिंस द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन। Electron releasing substituents activate the alkene. Electron releasing substituents activate the alkene. And electron withdrawing substituents deactivate the alkene. Done. Point number two. In the second step of the reaction, Br minus attacks cyclic halonium ion, bracket में लिख लेना non-classical carbocation. In the second step, Br minus attacks cyclic halonium ion in the bracket non-classical carbocation. So, if anion other than Br minus is also present, then that can also attack. If any anion other than Br- is also present, that will also attack. And in that case, we get mixture of products. And the other anion will give the major product. सर लास्ट लाइन क्या था? मैंने बोला है कि अदर एनायन गिव्स द मेजर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन खाली Br2 के साथ कराओगे तो आएगा CH3 CH
BrCH2Br, लेकिन इसका रिएक्शन अगर तुमने करा दिया Br2 in presence of water, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHOHCH2Br प्लस, वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, ठीक। इसका रिएक्शन आप करा दो Br2NaCl के साथ, तो CH3CHCl CH2Br plus CH3CHBr CH2Br, इस तरह करके आप लिख लो बेटा। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। इसमें फर्दर नोट लिखेगा बेटा। अच्छा एक चीज आपको लिखकर ऐसे ही दिखाता हूं मैं। अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा हो बेटा, तो Na प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता नहीं है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्शन जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, इसलिए यहां का आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन। लेकिन अगर इसी NaCl के साथ तुम क्या डाल दो? Br2 या Cl2, और तब रिएक्शन हो जाएगा। इन दैट केस तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, बिकॉज इन दैट केस Br2 अटैक करना इनिशिएट करेगा, ठीक है। Br2 का जो Br+ होगा वो अटैक करेगा, तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाता है। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा कि इन NaCl देयर इज नो इलेक्ट्रोफाइल टू इनिशिएट द प्रोसेस।
लिखिएगा नोट, ये कॉपी कर लिया सबने, यस सर, लिखिएगा ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन साइक्लिक हैलोनियम आयन इंटरमीडिएट फॉर्म्स नॉट ओपन कार्बोकेटायन, साइक्लिक हैलोनियम आयन इंटरमीडिएट फॉर्म्स नॉट ओपन कार्बोकेटायन, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग फैक्ट्स, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग फैक्ट्स. क्या फैक्ट है? पहला लिखिएगा एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन इज एंटी एडिशन, एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन is anti-addition. Addition of halogen to alkene is anti-addition. Number two, halogenation of alkene is stereospecific, both stereospecific and stereoselective. Both stereospecific and stereoselective. By experiment, it has been found that cisbutene on reaction with Br2CCl4 का मतलब Br2CCl4, सॉरी ये तो खाली सॉल्वेंट है, रिएक्शन ये करेगा, gives प्लस माइनस, समझते हो प्लस माइनस, मतलब इनेंशियोमर्स या रेसमिक मिक्सचर बोल सकते हो ये चीज, और यहीं पर कंटिन्यूएशन में लिखना है व्हाइल ट्रांसब्यूटुइन ऑन रिएक्शन विद Br2CCl4 गिव्स मेजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटे, मेजो 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटे, ये लिख लो आप लोग. ले लिया बेटा, रिमूव करते हैं इसको,
इसको आप इस तरह से भी ड्रॉ करके भी लिख सकते हो, ऐसा मान लीजिए दिया हुआ है, इसको H लिख दो और इसका रिएक्शन Br2 के साथ, और तुम्हें प्रोडक्ट लिखने को अगर दिया जाए तो इसमें आप ऐसा लिखोगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेसेमिक मिक्सचर, और इसी को ट्रांस वाले फॉर्म में लिख लो। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। आप इसका दूसरा वाला फॉर्म भी बना सकते हो ये, बट इसको क्या बोलेंगे बेटा, आइडेंटिकल मेसो, यानी यहां एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा ये, इसीलिए इसको स्टीरियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। मतलब सिस वाला जो है तुम्हें रेसिमिक मिक्सचर दे रहा है, तो ट्रांस वाला रेसिमिक नहीं दे रहा है, ट्रांस वाला तुम्हें मेसो दे रहा है। यही तो स्टीरियो स्पेसिफिक था कि डिफरेंट रिएक्टेंट गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट, और स्टीरियो सेलेक्टिव क्या था कि प्रोडक्ट में अगर तुमको दो पॉसिबिलिटी मिल रही है तो एक ही पे बननी चाहिए। तो रेसिमिक और मेसो की दो पॉसिबिलिटी में से खाली रेसिमिक मिल रहा है आपको, तो ये रिएक्शन फॉर्चुनेटली दोनों निकली, स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक। ये पॉइंट आपने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको भी कॉपी कर लो। इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।